एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। कैसे टूटा नायशा का दिल, किसकी कन्फर्मेशन हुई फिल्म में, तो दोस्तों यही जानेंगे आज हम वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड यानी कि बॉलीवुड की मोस्ट अवेटिंग फिल्म, मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी के बारे में, जिसका नाम है कुछ कुछ होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 90s का बॉलीवुड हमेशा से ही लोगों के दिलों में बसा रहेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब बॉलीवुड ने अपनी तरक्की इतनी ऊँची कर ली कि उसे हॉलीवुड में भी पहचान मिल गई। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की पहचान 90s वाले बॉलीवुड से ही हुई थी, जिसके अंदर हमारे सारे यानी कि सारे के सारे मशहूर और सबसे बेस्ट एक्टर्स थे, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनके साथ अक्षय कुमार, सैफ अली खान, ऐसे कई सारे और एक्टर्स, और ऐसे ही इन्होंने कई सारी फिल्में भी बनाई हैं, और इसी के साथ इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, और ऐसे ही कई सारी 90s की परफेक्ट फिल्में। तो आज उसी एक फिल्म की अगली यानी कि अगले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उस फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। दोस्तों कुछ कुछ होता है 2 के बारे में होने वाली है फिल्म, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी कास्ट कौन है। तो इसके कास्ट में नाम आ रहा है आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे, नायशा देवगन यानी कि काजोल की बेटी, और उसी के साथ सबसे प्यारी अनन्या पांडे। तो दोस्तों फिल्म की स्टोरी कुछ यूं होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि हमें बताया कि हमारे राहुल हमेशा से ही एक स्टार बॉय थे, और वैसा ही कैरेक्टर होने वाला है उनके बेटे आर्यन खान का भी, बट इसमें यानी कि इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग होगी, और इसके अंदर अब एक चीज़ अलग होगी, तो आखिर कौन सी होगी वो चीज़। तो दोस्तों इसके अंदर जो चीज़ अलग होने वाली है वो होने वाला है आर्यन खान का कैरेक्टर, यानी कि जैसे कि राहुल मल्होत्रा कितने ज़्यादा फंकी, कितने ज़्यादा जॉली थे, वैसे ये नहीं होने वाले हैं। आर्यन खान काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल बॉय दिखाने वाले हैं फिल्म में, जो लड़कियों से बात ही नहीं करते हैं, उनसे कोई इंटरेक्शन करते ही नहीं हैं, बस उनके पास अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है नायशा देवगन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, और आर्यन खान की एक लौती और अच्छी दोस्त यही है। मगर फिल्म की कहानी में हो जाएगी अनन्या पांडे की एंट्री, और अनन्या पांडे की एंट्री होने के बाद ही सारी दोस्ती खराब हो जाएगी, जैसे कि अभी हुआ ही था कुछ कुछ होता है में, उसमें भी ट्रायंगल में टीना की वजह से हो गई थी इन दोनों की दोस्ती खराब। तो वैसे ही कुछ होने वाला है अजय देवगन की बेटी के साथ भी, और फिर टूट जाएगा नायशा देवगन का दिल। जी हाँ दोस्तों, नायशा देवगन का दिल टूटने के बाद फिल्म में अगला प्लॉट दिखाया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको कल बताने वाली हूँ, तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।